हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं GQ पेपर सॉल्यूशन। ठीक है, समर सर्वेइंग समर 2023 का ये क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आप देखेंगे तो 1 का बी है, जो 4 मार्क का क्वेश्चन है। देखिए, 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिख भी रहा है और 4 मार्क का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 4 मार्क के क्वेश्चन को आपके सामने यहाँ पर दिया भी गया है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहला जो क्वेश्चन दिया, डिफाइन फॉलोइंग द टर्म, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो आपके सामने क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 का बी है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का ये बी है। ठीक है, जिसमें से ये 4 क्वेश्चन पूछे हैं। फेस लेफ्ट क्या होता है, फेस राइट क्या होता है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, स्विंगिंग ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है। तो एक एक का मैं यहाँ पर डेफिनेशन बताते जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत मैं समझाने का भी ट्राई करूंगा। ठीक है, तो आपके सामने ये क्वेश्चन है फेस लेफ्ट। ठीक है, अब फेस लेफ्ट क्या है, मैं यहाँ पर उसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अच्छे से मैं लिख पाऊँ। ठीक है, चलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर फेस लेफ्ट दिया है तो फेस लेफ्ट को क्या बोलते हैं, व्हेन, थोड़ा सा मैं ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी सी बेकार होगी, लेकिन आप When the vertical circle, अब ये मैं समझाता भी हूं, When the vertical circle of the theodolite ठीक है, ये मेरे सामने जो ये दिया ना, ये थियोडोलाइट ही है। ठीक है, थियोडोलाइट इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जर्वर ऑफ द ऑब्जर्वर द पोजिशन पोजिशन ऑफ द थियोडोलाइट थियोडोलाइट इज कॉल्ड फेस लेफ्ट। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, फेस लेफ्ट। ओके, तो ये पहले वाले का आंसर आपका हो गया, पहले वाले का आंसर। अब देखिए क्या होता है, देखिए आपके सामने ये आईपीस होता है, यहां से ऑब्जर्वर देखता है। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वर ये टेलीस्कोप की तरफ इस तरफ देखता है, इस डायरेक्शन में देखता है। अभी ये अगर देखोगे तो उसके ये जो है ना, इसी को बोल रहे हैं वर्टिकल सर्कल। ये जो है ना आपके सामने, ये वर्टिकल सर्कल है। तो ये ऑब्जर्वर इस तरफ है तो ये किस तरफ दिखेगा, अभी अगर फिलहाल इस पिक्चर को देख रहे हैं तो ये वर्टिकल सर्कल किस तरफ है ऑब्जर्वर के, तो ये राइट साइड में है। तो इस टाइम पे ये थियोडोलाइट का जो पोजिशन है वो फेस राइट है। अगर जब मैं ये टेलीस्कोप को घुमाकर 90 डिग्री यहां पर कर देता हूँ और ये वाला इधर हो जाता है, तब मेरे इस देखने में ये फेस लेफ्ट दिखेगा। ठीक है, तो वही चीज यहां पर समझाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, मैं थोड़ा सा इसको इसकी साइज को ना कम करता हूं कि ताकि हम अच्छे से लिख पाए। ओके, अभी सही हो गया, अब मैं यहां पर लिखने वाला हूं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 वाला, वो क्या है, फेस राइट है, फेस राइट। तो सेम यही डेफिनेशन देखिए, व्हेन द वर्टिकल सर्कल ऑफ द थियोडोलाइट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द ऑब्जर्वर द पोजिशन ऑफ द थियोडोलाइट इज कॉल्ड द फेस लाइट। तो ये लिख सकते हैं, चलिए मैं लिख ही देता हूं, क्या लिखेंगे, व्हेन द वर्टिकल सर्कल ऑफ द थियोडोलाइट इज ऑन द राइट ऑफ द ऑब्जर्वर द पोजिशन ऑफ द थियोडोलाइट इज कॉल्ड फेस
फेस राइट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फेस राइट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करेंगे तो वो है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। अब एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है वो बता देता हूं। ये एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप उसको बोलते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास और सेंटर ऑफ द आईपीस के बीच के लाइन को जो ज्वाइन करता है उसको एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे उसका डेफिनेशन लिखता हूं, इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास ग्लास टू द सेंटर ऑफ आई पीस। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप इसको बोलते हैं। अब उसके बाद से नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्विंगिंग ऑफ टेलीस्कोप, तो इसको भी मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। स्विंगिंग ऑफ टेलीस्कोप, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्विंगिंग ऑफ टेलीस्कोप चौथा है। अब ये चौथा स्विंगिंग ऑफ टेलीस्कोप होता है उसको क्या बोलते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप इन हॉरिजेंटल प्लेन में टेलीस्कोप, देखो दिस इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप को टर्न करना है इन हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में हम टेलीस्कोप को हॉरिजेंटल टर्न करने के प्रोसेस को बोला जाता है स्विंगिंग ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, अगर इसको क्लॉकवाइज अगर मूव करते हैं तो राइट स्विंग होगा, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो लेफ्ट स्विंग होता है। ठीक है, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, हॉरिजेंटल मूव होता है, हॉरिजेंटल हम टेलीस्कोप को मूव करते हैं ना तो उसी को बोला जाता है स्विंगिंग ऑफ टेलीस्कोप। तो ये आपको आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, और आपका इस तरीके का ये जो आपके सामने पिक्चर्स दिख रहा है ना, इस तरीके का ये थियोडोलाइट होता है। ठीक है, थियोडोलाइट इस तरीके का होता है जिसमें ये टेलीस्कोप होता है, ये वर्टिकल सर्कल होता है, यहाँ पे हॉरिजेंटल सर्कल है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मूव होता है, देखो ये वाला और एक डायरेक्शन ये होता है। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपके सामने ये क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चंस जितने